अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बीए बीएससी और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के हवाले से आज आपकी खिदमत में एक वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, इसमें कुछ शरायत हैं, उन पर कैसे पूरा उतरा जाए और किस तरह से इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स, हम आपकी सहूलत के लिए, आपकी हेल्प के लिए अपने चैनल पर आपके मुख्तलिफ क्वेश्चन के लिहाज से कुछ वीडियोज़ अपलोड करेंगे और आपकी तमाम परेशानियों को हल करने की भी भरपूर कोशिश करेंगे। हम इंशाल्लाह एक दो दिन में हाउ टू अटैम्प्ट एग्ज़ाम एट SEB एंड गूगल मीट को किस तरह यूज़ करना है और हाउ टू चेंज पासवर्ड, जो पासवर्ड चेंज करने का कहा गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, इस तरह के बहुत से सवाल हैं। और क्या अगर हमारा पेपर के दौरान SEB टर्मिनेट हो जाता है तो क्या हम पेपर से टर्मिनेट होंगे या नहीं, ये एक बहुत अहम सवाल है। इंशाल्लाह हम इस भी एक वीडियो बना के तो अपलोड करेंगे और आपको एग्ज़ाम से पहले पहले आपके तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह हम देंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले और 5 अगस्त से पहले पहले आपके तमाम शक व शुबात क्लियर हो जाएँ। आज का हमारा टॉपिक है गूगल मीट। बहुत शॉर्ट सी वीडियो मैं कोशिश करूँगा बनाऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकूँ। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं जी गूगल मीट। फ्रेंड्स, गूगल मीट आपने कहीं से डाउनलोड नहीं करना, कहीं से इंस्टॉल नहीं करना, ये आपको आपके गूगल के ब्राउज़र में ही मिल जाएगा। आप देख सकते हैं गूगल मीट। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपके पास गूगल मीट आएगा, हम इसको ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे है एक न्यू मीटिंग और एंटर अ कोड और लिंक। देखें, हमें जो प्रॉक्टर लिंक या कोड सेंड करेगा वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम यहाँ पे ज्वाइन को क्लिक करेंगे तो हम उस प्रॉक्टर के साथ अटैच हो जाएंगे और उस प्रॉक्टर के साथ हमारी कन्वर्सेशन, हमारी कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। फिर वो हमारा रूम, हमारी सराउंडिंग्स को चेक करेगा और हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस कन्वे करेगा और उसके बाद वो फिर तसल्ली करने के बाद हमें एक लिंक सेंड करेगा जिसको हम ओपन करके तो अपना एग्ज़ाम शुरू कर सकते हैं। इस गूगल मीट में हमने अपना कैमरा और अपना माइक ऑन रखना है, इसको हमने ऑफ़ नहीं करना। अगर आप ऑफ़ करते हैं तो वो आपके ऊपर मिसकंडक्ट के चार्जेस लगा सकता है, तो आपने इसका ख्याल करना है। तो फ़िलहाल हमारे पास लिंक कोई नहीं है, लेकिन आपको एक डेमो के तौर पर दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरह कंडक्ट करने जाएंगे। ये मैंने न्यू मीटिंग स्टार्ट की, स्टार्ट इंस्टेंट मीटिंग, ये मीटिंग स्टार्ट हो गई। कैमरा मेरा ऑफ है, ये हमने कैमरा ऑन कर लिया है। देखिए, मेरा माइक भी ऑन है, मेरा कैमरा भी ऑन है, मैं इसे ऑलरेडी अलाउ कर चुका हूँ। तो इस तरह से एक स्क्रीन सामने आएगी, यहाँ पे प्रॉक्टर की तस्वीर आएगी जब वो हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर चुका होगा और वो हमसे कम्युनिकेट करता रहेगा। तो जैसे ही वो उसको तसल्ली होगी कि जनाब हमारी सराउंडिंग्स बिल्कुल क्लियर है, तो वो हमें एक लिंक सेंड करेगा। उस लिंक के ज़रिए हम अपना पेपर शुरू करेंगे। जैसे ही हम उस लिंक को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा माइक और कैमरा SEB से कनेक्ट हो जाएगा और गूगल मीट बंद हो जाएगी। आपने इसे बंद नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली बंद होगी और आपका पेपर ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली शुरू भी हो जाएगी। तो आपने इसको चलते रहने देना है और अपना एग्ज़ाम शुरू कर देना है और अपने एग्ज़ाम को आपने बहुत तसल्ली से करना है। अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप करते हैं तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह देख के उसका आंसर दे के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिएगा। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को स्किप करके अगले की तरफ मूव करेंगे तो आप पिछले क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इस सिंपल तरीके से आप इंशाल्लाह अपने एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने परेशानी होना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ तलबा तलबात का इसकी तरफ रुझान नहीं है। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया गया है, बहुत इजी सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है और इंशाल्लाह आप इस सिस्टम के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।